press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार महविश नाज को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे दिव्य कुमार, जो कि खुद पाकिस्तानी हिंदू है, और इनकी सोच और इनके विचार, खासकर राम मंदिर और भारत के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। अयोध्या राम मंदिर के बारे में तो आप बखूबी जानते होंगे, आप भी पाकिस्तान की माइनॉरिटीज में आते हैं। इंडिया के अंदर इस चीज को बहुत ज्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया, बहुत ज्यादा इसके चर्चे हुए, मगर पहले पाकिस्तान से इमरान खान भी इस इशू पर बात कर चुके और अब फिर पाकिस्तान इस बात को लेके पहुंचा है OIC में। एक तरह से कंप्लेन की गई है अयोध्या राम मंदिर को लेके कि वहां हमारी बाबरी मस्जिद थी, वो मुस्लिम्स का राइट है, वो ये ज्यादती की है इंडिया वालों ने, और इस तरह के इशूज को जो है वहां तक पहुंचाया गया है और OIC भी इसकी तस्दीक करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में, और अगर आपने न्यूज़ देखी है तो किस हद तक आपको लगता है ये होना चाहिए या हो रहा है, वैलिड है नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज तो मैं पाकिस्तानी की माइनॉरिटी था, अब नहीं हूँ, तो पहली चीज तो ये हो जाए क्लियर, अब मैं पाकिस्तानी भी नहीं हूँ। दूसरी चीज के देखे, पाकिस्तान का कोई और काम धंधा है नहीं। पहली चीज तो ये इंडिया का इंटरनल अफेयर है, ठीक है, सही या गलत उसको भी साइड पे रख दें, पहले तो इंटरनल अफेयर है पाकिस्तान को, उसके अंदर पाकिस्तान क्या है, दुनिया के किसी भी मुल्क को उसके अंदर नहीं घुसना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, एक इलीगल चीज, एक स्ट्रक्चर को गिराया गया जिसके ऊपर कोर्ट केस चलता है, जिसमें हिस्टोरियंस हो गए दोनों साइड्स के, दोनों रिलीजियस ग्रुप्स के, जिसमें आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो रिपोर्ट्स थी, आपकी जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स थी, उसके बाद जब खुदाई में जब आपकी चीजें निकल गई, तो फिर उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है ना। नहीं तो कौन से दुनिया में कौन सी मस्जिद है जिसकी दीवार में संस्कृत में श्लोक लिखे हुए होते हैं? इसकी दीवार पे तो संस्कृत में श्लोक लिखे हुए थे, वो तो खुदाई करने से पहले ही पता चल गया श्लोक देख के कि भाई ये तो काम खत्म हो गया। वो तो खुदाई तो पर करनी पड़ती, कोर्ट को सबूत चाहिए, तो खुदाई में जब 70 पिलर में लिख लेते, 70 पिलर्स, टेराकोटा की कुछ मूर्तियां थी, मगर परनाला वगैरह भी उनको तो मिला था, शिवलिंग भी वहां पर फिर निकला है, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। और अच्छा, फिर उसके बाद कोर्ट का जजमेंट क्या होता है कि 5 एकड़ दिए जाएंगे मस्जिद के लिए अयोध्या में, मंदिर से थोड़ी दूर पे 5 एकड़ की जमीन दी गई है मस्जिद बनाने के लिए। उसकी कमेटी का हेड भी मुस्लिम ही है, जो बीजेपी पार्टी का मेंबर है, और सुनने में यह आ रहा है कि जो वहां पर जो मस्जिद बनेगी उस 5 एकड़ पे, उसको इनॉग्रेट करने के लिए जो काबा के मुफ्ती है वो आएंगे, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। अब बात रही जहां तक OIC की, OIC तो देखे हर तीन महीने हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, क्योंकि हर क्वार्टर में उनकी मीटिंग होती है, जाहिर सी बात है खाना आना खाने आते हैं, बिरयानी वगैरह, तो कुछ तो बोलेंगे, बोले बगैर तो जाएंगे नहीं, तो उनके बोलने से क्या जाता है, कौन सुनता है? OIC ने आज तक उखाड़ा क्या है? एक चीज बता दें जो उन्होंने पूरी दुनिया में कुछ भी उखाड़ी हो, इंडिया को छोड़ दें, अरब मुल्कों में कुछ उखाड़ा हो, अफ्रीका में कुछ उखाड़ा हो, कोई काम किया हो, कोई पॉजिटिव काम किया हो, नेगेटिव काम किया हो, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बोला है, बोल बच्चन है बस। और उसके बाद सऊदी अरब वाले, अब वैसे काबा के जब मुफ्ती आएंगे ओपनिंग के लिए, सऊदी की रॉयल फैमिली एग्री करेगी तभी आएंगे ना, रॉयल फैमिली की इजाजत के बगैर तो वो नहीं आ सकते, रॉयल फैमिली को कोई मसला है नहीं सऊदी अरब के। UAE में अभी मंदिर ओपनिंग हो गई, यही दो मुल्क हैं जो OIC को चलाते हैं और फंड करते हैं, बात ही खत्म हो जाती है। OIC एक लॉलीपॉप है, एक झुंझुना है, जो कि कन्वर्टेड मुस्लिम कंट्रीज के रहने वाले मुसलमानों को दिया हुआ है, वो उसको देख देख के खुश होते हैं, दैट्स इट। नहीं तो कितने 57 मुल्क है, 57 में से कौन कौन बोला है? टर्की बोला है, अजरबैजान बोला है, पाकिस्तान बोला है, और कौन बोला है? कोई भी नहीं, जीरो। और इन तीनों का नेक्सस है, ये पूरी दुनिया को पता है, ये तीनों इंडिया के दुश्मन है, ये भी पूरी दुनिया को पता है, तो जो इंडिया के खिलाफ है तो वो तो हर चीज पे बोलेंगे। नहीं तो 57 में से 3 हटा दे तो आपके बाकी 54 मुल्कों ने कोई नहीं बोला है, स्पेशली द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज जो गल्फ की हैं,
एंड मोर इम्पोर्टेंटली द कस्टोडियन ऑफ टू होली मोस्क सऊदी अरब, उसने क्यों नहीं कुछ बोला? तो ये उस बात की कोई ना बेसिस है, ना सर है, ना पैर है इस बात का। देवक, लास्ट टाइम भी जब पाकिस्तान से पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने इस बारे में बात की थी तो खासा कड़वा जवाब आगे से सुनने को मिला था, और इस दफा फिर आगे से बहुत से जर्नलिस्ट चीख उठे जैसे उनकी दुखती रग पे पैर आ गया, और उन लोगों ने पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को, पाकिस्तान की हुकूमतों को और OIC को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए ये बात कही है, मेंशन की है कि आप लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए, इतने सालों का कर्जा तो OIC का आप लोगों ने नहीं दिया, बातें हिंदुस्तान को करते हो, हमारा कंट्री, हम अंदर जो मर्जी करें, आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी इस्लाम का ठेका लिए पाकिस्तान क्यों बस्ती करवाने चला जाता है हमेशा? या हमारे इधर प्राइम मिनिस्टर ऐसे बदलते हैं जैसे हम कपड़े बदलते हैं, तो ये कौन से प्राइम मिनिस्टर की बात कर रही हैं आप? इमरान खान साहब की बात की है मैंने प्रीवियस। अच्छा, 2020 में इमरान खान जब जजमेंट आया था, तो 2020 में जजमेंट के बाद OIC में ये केस लेके गए थे, तो वहां पर जब बातचीत शुरू हुई तो वैसी ही बात है, सबसे पहले जो सवाल पूछते हैं तो UAE सऊदी वगैरह ही पूछते हैं जो ताकतवर मुल्क है। तो UAE ने पूछा कि भाई हमने भी अपने मुल्क में जमीन दी है, आपको क्या मसला है, आप इंडिया के अंदर वही इंटरनल मैटर्स में आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों इंटरफेयर करना है? टेक्निकली वो इंटरनल मैटर है, ठीक है, ये UAE की बात हुई। उसके बाद फिर मालदीव वालों ने बात की थी, फिर बांग्लादेश की शेख हसीना ने भी उधर बोला फेवर में, इंडिया की फेवर में। उसके बाद आपके जो दूसरे इंडोनेशिया वालों ने फेवर में बोला था, मलेशिया वालों ने फेवर में बोला, इवन ईरान ने इंडिया की फेवर में उधर बात की थी, ठीक है। और फिर इन दी एंड सबके माई बाप सऊदी अरब वाले वो बोलते तुम्हारे पास इस टॉपिक के अलावा कोई और चीज है बातचीत करने के लिए, तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ये बताओ कि बेटा हमारे लोन, हमारे पैसे जो हमसे लोन लिए हैं OIC से, वो OIC से लोन, सऊदी से नहीं, UAE से नहीं, OIC के फोरम से भी लोन लिए पाकिस्तान ने, तो वो कब वापस कर रहे हो? तो इमरान खान के पास कोई जवाब नहीं था, उन मीटिंग से उठ के चले गए। बैड सीन। अच्छा देवक, एक जानब हम देखते हैं कि पाकिस्तान को कश्मीर से तो मसला है ही है, दूसरी जानब राम मंदिर से इशू है, हिंदुस्तान में अगर चिड़िया भी पर मारे तो पाकिस्तान को मसला शुरू हो जाता है, जिस जम्मू कश्मीर के नाम पे पाकिस्तान में कत्ल हो जाया करते हैं, जिस जम्मू कश्मीर के नाम पे इलेक्शंस होते हैं, जिस जम्मू कश्मीर के नाम पे हर बंदा जज्बे का नारा लगाता है, उसी जम्मू कश्मीर को तमाम गल्फ कंट्रीज उसमें इन्वेस्ट करने को और सपोर्ट करने को तैयार है, उसी के लिए 32,000 करोड़ का बजट फाइनलाइज किया गया बाय नरेंद्र मोदी जी, आने वाली हुकूमत में भी उसमें कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी फाइनलाइज कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे उस जम्मू कश्मीर के बारे में और पाकिस्तान की एफर्ट्स के बारे में? देखिए, कश्मीरियों के लिए बस अफसोस ही होता है, क्योंकि जो एक्चुअल प्लान था वो था कि 2024 तक कश्मीर की शक्ल बदल देंगे, पर कोविड की वजह से 2 साल तो कोई ना कंस्ट्रक्शन हो पाई, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो पाई, ना क्या, लेकिन 3 साल में भी बहुत कुछ इतना बदल गया जम्मू कश्मीर लद्दाख में जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है, लोगों की जिंदगी में लॉ एंड ऑर्डर से लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेके बिजली से लेके गैस से लेके एजुकेशन से लेके कनेक्टिविटी से लेके बहुत कुछ वहां पर पहुंचा, बहुत आसानियां हुई, गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स जो आर्टिकल 370 से पहले वहां पर नहीं लागू होती थी वो अब लागू हुई आर्टिकल 370 के बाद, तो लोगों को वहां पर आसानी हुई, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, जनधन योजना है, या जैसे आपके बाकी चीजें जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हैं। देखें, ये पहले भी बहुत सारे पैकेजेस अनाउंस हुए हैं, ओवरऑल ये सेकंड फेज था, फेज टू, और इसमें ये जो 32,000 करोड़ है ये मेनली जम्मू सेक्शन के लिए है, इसके अंदर आपके रोड्स आ गए, रेलवे नेटवर्क आ गया जिसमें आप जो एग्जिस्टिंग रेलवे है उसको डबल करना, इलेक्ट्रीफाई करना, एग्जिस्टिंग रोड्स को डबल करना, जो डबल है उनको 4 गुना कर, मतलब 4 लेन करना, इसके अलावा कुछ छोटे मोटे जो शहरों के अंदर जो ब्रिजेस होते हैं, पुल्स होते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, वो सब इसके अंदर आएगा, जो सिटी की ब्यूटिफिकेशन होती है जो सिविक अथॉरिटीज या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आती है उनको बजट से अलॉट किए हैं। इसके अलावा 9 इंडस्ट्रियल ई स्टेट्स के लिए पैसे अलॉट किए हैं, 9 इंडस्ट्रियल ई स्टेट्स बनाई जाएंगी जहां पर इंडस्ट्री आके लगे, डेवलप हो, बिजनेसेस ग्रो करें। इसके अलावा एक पूरा पेट्रोलियम का जो स्टोरेज कॉम्प्लेक्स उधर बनाया जाएगा, जो पाइपलाइन से पेट्रोलियम उधर पहुंचेगा, जो असल में देखे ना
रिफाइनरी से पेट्रोलियम आता है, आप कहीं पे भी पहुंचेंगे, अगर टैंकर में जाएगा तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट आ गई ना, पाइप में जाएगा तो आपकी कॉस्ट बिल्कुल मिनिमल हो गई, तो वो पाइपलाइन से जाके जम्मू में पहुंचेगा, टैंकर पर जम्मू के उसी कॉम्प्लेक्स से टैंकर फुल करके जम्मू में ही आगे डिवाइड कर देंगे, तो पेट्रोल इस तरीके से आपका पर लीटर 2-2.5 रुपए सस्ता हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और महवेश नाज और दिव्य कुमार का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, जहां पे आपने जाने पाकिस्तानी हिंदू दिव्य कुमार के विचार, आपने देखा वो पाकिस्तान में रहते हैं और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ क्या सलूक किया जाता है और वो किन हालातों में रहते हैं, फिर भी दिव्य कुमार जी की बेबाकी का जाबाजी को हम सल्यूट करेंगे कि इतने बेबाक और बुलंद आवाज में दिव्य कुमार अपनी बात रखते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।